आइए देखते हैं कि कैसे स्टील ड्रम को फैक्ट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले स्टील कॉइल को मशीन में लगाकर अच्छे से एक साइज से इस सीट को काट लिया जाता है। इसको गोल शेप देने के लिए प्रेसिंग रोल मशीन में डाल दिया जाता है और इस ऑटोमेटिक मशीन से इसको वेल्ड कर दिया जाता है और इसको ऊपर से थोड़ा मोड़ने के लिए इस मशीन में डाला जाता है और इनके बीच ये रिंग लाइन बनाने के लिए इस प्रेशर मशीन में डाला जाता है और इनके ढक्कन बनाने के लिए स्टील सीट को हाइड्रोलिक कटर मशीन के जरिए काट लिया जाता है और इनको एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि अच्छे से ये बॉटम और अपर के लिए ढक्कन बनाया जा सके ताकि ये ड्रम आसानी से सेट हो जाए और इस मशीन के जरिए इनको वेल्ड कर दिया जाता है और इनको पेंट कर मार्केट में भेज दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना।